ये देखिए, कढ़ाई में बना हुआ एकदम परफेक्ट केक। ये चॉकलेट केक नहीं है, इसे हमने बोनवीटा से बनाया है, पर इसका टेस्ट चॉकलेट केक से भी ज्यादा अच्छा है। और इसकी आइसिंग भी हम बोनवीटा से ही बनाएंगे। इसके लिए हेवी क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम की जरूरत नहीं है, ना ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक बीटर यूज किया है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आइसिंग बनी है। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज के इस जुगाड़ बेकिंग एपिसोड में हम ऐसा केक बना रहे हैं जिसे ना तो आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी देखा होगा। इस केक का डेकोरेशन हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। चलिए बनाते हैं ये केक। बोन बीटा की ये आइसिंग घर के सामान से ही बन जाएगी। इसके लिए एक पैन ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए हाफ कप चीनी, हाफ कप दूध और 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा नाप कर ही डालें, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मैदे की इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। और अब इसमें हम डाल देंगे बोनवीटा। बोनवीटा के बदले आप कोई भी दूसरा चॉकलेट फ्लेवर ले सकते हैं। ये भी हमें 2 चम्मच ही डालना है। चॉकलेट का एक्स्ट्रा कलर देने के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दीजिए। कॉफ़ी नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी तक हमने फ्लेम ऑन नहीं की है। जैसे ही ये मिक्स हो जाए फ्लेम ऑन कीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक या फिर कुक होने तक पका लीजिए। सभी इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। देखिए ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो ये पैन में चिपकने लगेगा। ये देखिए ये 4 से 5 मिनट में कुक हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। फ्लेम बंद कीजिए और एक बर्तन में निकाल लीजिए। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए। 4 से 5 मिनट ठंडा होने दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। मैं यहाँ पे क्लिंग रैप लगा रही हूँ। आप चाहे तो एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, पर ध्यान रहे इसमें भाप नहीं होनी चाहिए। बंद हो जाने के बाद इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अब गैस पे मोटे तले वाली कढ़ाई, भगोना या कुकर रखिए और इसमें डाल दीजिए नमक। इस नमक को आप बार बार बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इसे मैंने लगभग 10 से 12 बार यूज़ किया है। नमक को कढ़ाई में अच्छे से फैला लीजिए। 2 से 3 मिनट इसे भून लीजिए। इससे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाता है और केक एकदम परफेक्ट बनता है। अब इसमें रिंग या फिर स्टैंड रख दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 10 मिनट तक प्री हीट होने दीजिए। अब बटर पेपर को केक टिन के साइज का कट कर लेना है। कट करने के लिए बटर पेपर को कैसे फोल्ड करना है और कट कैसे करना है आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने ये कई बार आपको बताया भी है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, केक टिन में ऑयल लगाइए और मैदे से डस्ट कर लीजिए। उससे भी केक एकदम परफेक्ट अनमोल्ड होता है। और अब केक टिन में ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर बटर पेपर रखिए और फिर से ऑयल लगा लीजिए। कभी भी केक का बैटर रेडी करने से पहले ही हमें कढ़ाई या ओवन को प्री हीट कर लेना चाहिए। केक का बैटर तैयार करने के लिए एक बर्तन में 1/2 कप दूध, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप अनफ्लेवर ऑयल या फिर मेल्टेड बटर डालिए। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। केक को एक्स्ट्रा कलर और फ्लेवर देने के लिए 1/2 छोटा चम्मच डाल दीजिए कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसके ऊपर एक छन्नी रखिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप मैदा। ये मैदा ग्राम में 125 ग्राम है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और साथ में ही डाल देना है 1/4 कप बोनवीटा। अब इन्हें अच्छे से छान लीजिए। बोनवीटा को थोड़ा ध्यान से छानिए क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी गांठें होती हैं, उन्हें थोड़ा निकाल दीजिएगा। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, 1 से 1.5 मिनट में ये मिक्स हो जाएगा।
बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। लास्ट में डाल दीजिए 1 टीस्पून विनेगर या फिर लेमन जूस। कट एंड फोल्ड मेथड से आधे मिनट से 1 मिनट तक मिक्स कर लेना है। इससे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो केक में स्पंज नहीं आता है। रेडी किए हुए केक टिन में पलट दीजिए। अब भी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इस तरह की होनी चाहिए। केक टिन को कभी भी 3/4 ही भरिए, मींस ऊपर का 1/4 हिस्सा खाली रखना है। 2 से 3 बार टैप करके एक्स्ट्रा बबल्स निकाल दीजिए। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। केक टिन को इसमें रखिए, तुरंत ही ढक दीजिए। ढकने के लिए ध्यान रहे ऊपर से कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये ढक्कन है, ऊपर से थोड़ा सा ओपन है। एल्युमिनियम फॉइल को रोल करके ऊपर से बंद कर देंगे। लो फ्लेम पर ढक कर लगभग 30 से 40 मिनट तक बेक कर लेंगे। इतनी देर में ये अच्छे से बेक हो जाएगा। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं, आगे तक वीडियो देखिए। 40 मिनट हो गए हैं, केक अच्छे से बेक हो गया है। आप देख सकते हैं केक का कुछ भी पार्ट इसमें लग के नहीं आया है। 10 से 15 मिनट ठंडा करना है और नाइफ की सहायता से अनमोल्ड कर लीजिए। सभी के गैस की फ्लेम अलग अलग होती है, इसलिए बेक होने का टाइम 5 से 10 मिनट इधर उधर हो सकता है। वाओ, आप देख सकते हैं केक कितना स्पॉन्जी बना है। ओवन में इस केक को बनाने के लिए प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट तक बेक कर लेना है। ये देखिए, केक तो तैयार हो गया। अब फटाफट इसका आसान सा डेकोरेशन कर लेते हैं, वो भी विदाउट टूल्स। इस केक को डेकोरेट करने के लिए हम कोई भी नोजल नहीं यूज करेंगे, सिर्फ पाइपिंग बैग यूज करेंगे। 100 ग्राम ले लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर का बटर और इसे इस तरह से फेंट लीजिए। इसे आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं। जब ये थोड़ा सा लाइट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, कुछ इस तरह का थिक हो जाए, तब इसमें डाल देंगे हम ठंडी की हुई हमारा बैटर। इस क्रीम को बनाने के लिए हमें अनसॉल्टेड बटर यूज करना है। ये देखिए, हमारा बोनबीटा वाला बैटर रेडी है, एकदम ठंडा हो चुका है, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें से 1 से 2 चम्मच डाल दीजिए बटर में और फिर उसके बाद मिक्स करते जाइए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो आप उससे भी बना सकते हैं, पर आज मैं इसे बना रही हूँ हैंड विस्कर से। देखिए, कुछ इस तरह से करना है। और अगर आप इसमें चाहें तो वेनिला एसेंस या फिर चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने केक में भी नहीं डाला है और इसमें भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बोनबीटा का अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा फ्लेवर होता है। बोनबीटा वाला बैटर आपको इसमें एकदम से नहीं डालना है, ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा ही डालना है और फेंटते जाना है। इस तरीके से बनाने से ही क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर आप पूरा एक साथ डाल देंगे तो हमारा जो बटर है वो एकदम ठंडा हो जाएगा और फेंटते समय थोड़ा फट जाएगा। इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाने के बाद बंद कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 3 से 4 चम्मच ठंडा पानी लीजिए, इसमें डाल दीजिए चॉकलेट सॉस। अगर चॉकलेट सॉस नहीं है तो चीनी डाल के मिक्स कर लीजिए। आपको ये जुगाड़ बेकिंग सीरीज अगर अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए, और अगर नहीं लग रही है, डिसलाइक कर सकते हैं। केक को 4 से 5 घंटे के बाद फ्रिज में से निकालिए। सेरेटेड नाइफ से या फिर नॉर्मल नाइफ से इसे कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसके 3 लेयर कर रही हूँ, आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने आसानी से कट हो रहा है। और अगर आपके पास इस तरह का टर्न टेबल नहीं है तो भी इसे कैसे कट करना है और इसकी आइसिंग कैसे करनी है, वो रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केक के ऊपर वाले इस पार्ट को कैसे अरेंज करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से क्रीम लगा लीजिए, फर्स्ट लेयर रख दीजिए। फर्स्ट लेयर पे लगा लीजिए हमारा शुगर सिरप या फिर चॉकलेट सिरप। इसके ऊपर लगा लीजिए बोनबीटा वाली क्रीम। अब केक का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जिसपे थोड़ा सा होल आ गया है, वो पार्ट इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर देना है। होल है तो इस तरह से क्रीम भर लीजिए, और अगर ऊपर का पार्ट हार्ड है तो उसे कट करके पहले ही निकाल देना है। सेम तरीके से एक के ऊपर एक लेयर लगाते जानी है और ध्यान से अरेंज करते जाना है। केक टेढ़ा ना हो इस बात का ध्यान रखें।
किसी भी केक में शुगर सिरप या फिर चॉकलेट सिरप जरूर लगाएं। इससे केक बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाता है। केक को क्रीम से कवर कर लीजिए। मोटी या फिर पतली लेयर आप अपने पसंद के अनुसार लगा सकते हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, उसके बाद निकाल के फिर से एक मोटी लेयर से कवर कर दीजिए। इससे केक बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसी तरह की और भी स्मार्ट रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। बटर पेपर को फोल्ड करते हुए केक के साइज का स्टेंसिल बना लीजिए। इस बटर पेपर को रैपिंग पेपर भी कहते हैं और ये किसी भी जनरल स्टोर में बहुत ही आसानी से काफी कम कीमत में मिल जाता है। कैंची की सहायता से अपनी पसंद का डिजाइन आप बना सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है और कितने आसानी से बन गया है। अब केक के ऊपर इस तरह से रख दीजिए और ऊपर से छन्नी में डाल दीजिए बोर्नवीटा और इसके ऊपर छान लीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन तैयार हो जाएगी। और उठाते समय थोड़ा सा ध्यान से उठाएं। बैग में बची हुई क्रीम भर लीजिए और अपने पसंद से डिजाइन बना लीजिए। और अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई भी नॉर्मल पॉलीथीन ले सकते हैं, उस पर छोटा सा कट कीजिए, उससे भी आप आसानी से जुगाड़ू तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। मेरा ये केक धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आप इससे भी अच्छा केक अपनी क्रिएटिविटी दिखा के बना सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी से कोई भी केक या फिर रेसिपी बनाते हैं, पिक आप सोशल मीडिया पे सेंड करना ना भूलें। लास्ट में इसके ऊपर मैंने लगा दी है चेरी, इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हैं बिना नोजल के भी केक कितना खूबसूरत बन सकता है। आप इसे जरूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इन पर ये जो दो रेसिपीज दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।